इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करने के बाद उसमें हमारी कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर ओपन करना है और सॉफ्टवेयर में यूज़र्स कैसे ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो डेस्कटॉप पे हमारे सॉफ्टवेयर का आइकॉन आ गया होगा, वहाँ पर डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का आएगा ऑप्शन, उस पर आपको कंटिन्यू कर देना है तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू कंपनी, क्रिएट अ न्यू कंपनी पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। याद रखना यहाँ पर आप जो जो डिटेल फिल करेंगे वो सारी डिटेल आप जो बिल बनाएंगे उस बिल के अंदर टॉप पे डिस्प्ले होगी, आपकी कंपनी का नाम वगैरह। तो सबसे पहली डिटेल है कंपनी का नेम, कंपनी का नेम लिख लो, उसके बाद एड्रेस लिख लो, आधा एड्रेस बिल में आप देखते होगे किसी कंपनी का एड्रेस होगा तो वो दो लाइन में होगा, आधा एड्रेस ऊपर होगा आधा एड्रेस दूसरी लाइन में होगा, सबसे ऊपर कंपनी का नाम उससे नीचे आधा एड्रेस उसके नीचे आधा एड्रेस, तो उसके हिसाब से आधा आधा एड्रेस डिवाइड करके डाल दो। उसके बाद सिटी डाल दो, उसके बाद कंट्री में इंडिया सेट कर लो, जीएसटी नंबर सेट कर लो, यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डाल दो, उसके बाद स्टेट ऐड कर दो, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल दो। यहाँ पर हमने जितनी जितनी भी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल हमारे बिल के अंदर डिस्प्ले होगी, हम जो बिल प्रिंट करेंगे उसके अंदर। एक चीज़ ये देख लेनी है कि यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ईयर है, डेट है, वो सही है या नहीं एक बार चेक कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली ही सेट हो जानी है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, करंट ईयर की डेट ही यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद नीचे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा मैसेज आएगा, इस पर ओके क्लिक कर दो। इसका मतलब कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। हमारी कंपनी में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ से यूज़र बनाना है। मैं अभी सब में 11 ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे आईडी पासवर्ड कुछ याद ना रखना पड़े। बाकी आप आपके हिसाब से यहाँ पर सब सेट कर सकते हो, आप जो यूज़र बना रहे हो वो किस टाइप का यूज़र है वो भी आप सेट कर सकते हो, उसको कितना राइट्स देना है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बिल बना सके या देख सके, एडिट करे डिलीट करे, जो भी एक्सेस आपको देना है वो आप इधर से दे सकते हो। अभी ट्रेनिंग पे हम फुल एक्सेस ही रखेंगे ताकि आप सारे फीचर्स देख सको, बराबर। उसके बाद में सेव कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड 11 रखा है तो हमारी कंपनी में लॉगिन होने के लिए मैं 11 से एंट्री करूँगा। वैसे आप कितने भी यूज़र यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद देखो नीचे क्लोज का बटन है, वहाँ पर क्लोज कर देते हैं तो हमें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं पूरी चीज़ क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। देखो मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया, फिर कंटिन्यू क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी कंपनी का ऑप्शन आ गया। सॉफ्टवेयर में आप अनलिमिटेड कंपनी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में लॉगिन करना है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पर मैं दो बार क्लिक करूँगा या फिर उस पर एक बार क्लिक करके एंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर मुझे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पर आईडी 1 डाल देता हूँ, पासवर्ड 1 डाल देता हूँ क्योंकि मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड 11 रखा हुआ था, और उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लूँगा। चलो ये सीधी सिंपल सी चीज़ हो गई कि सॉफ्टवेयर में कैसे हमारी कंपनी क्रिएट करनी है और कैसे हमारे यूज़र क्रिएट करने हैं। अब आती है मेन चीज़, हम जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा काम इजी कर दे इसलिए हम इसमें मास्टर बनाते हैं। मास्टर यानी कि हमारे अकाउंट्स हो गए, हमारे प्रोडक्ट स्टॉक हो गया, वो सब हम क्या करेंगे फर्स्ट ट्राई में सब इंसर्ट कर देंगे ताकि हर बार बिल बनाते टाइम कस्टमर का नाम ना लिखना चाहिए। 80% से ज़्यादा कस्टमर ऐसे रहते हैं कि जो हमारे रिपीटली आते रहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका एक या दो अक्षर लिखेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके एड्रेस मोबाइल नंबर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम मास्टर में जाते हैं। मास्टर में देखो ऑप्शन है अकाउंट का और यहाँ पर भी राइट साइड ऑप्शन है अकाउंट न्यू का। मैं अकाउंट में जाता हूँ। जैसे ही हम अकाउंट में गए तो यहाँ पर वो सारे अकाउंट डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने पहले बनाए हुए हैं, या कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसकी कंपलसरी ज़रूरत है हमारी जीएसटी वगैरह चीज़ के लिए। हम नया अकाउंट बना रहे हैं इसलिए न्यू पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले हमारी पार्टी का, हमारी जो कस्टमर या जो भी सप्लायर है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लो रमेश प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। उसके बाद मैं वापस से एक बार एंटर प्रेस करूँगा। अभी ऊपर मैंने जो पार्टी का नाम लिखा, वो पार्टी मेरी कौन है, कस्टमर है या सप्लायर है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि सप्लायर SUP लिखूँगा तो सप्लायर आ जाएगा। सप्लायर मतलब हम उनसे माल परचेस करते हैं, सप्लाई वो हमें करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सप्लायर लिख दिया। अगर हम उसको माल बेचते होंगे तो फिर हम यहाँ पर ग्रुप में कस्टमर लिख देते। अभी ओपनिंग बैलेंस मतलब कि आज से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से पहले भी रमेश प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसका जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इसका हमें इतना अमाउंट पेंडिंग है, बराबर। इसके अलावा इसकी सारी डिटेल्स डाल देंगे, देनी है इधर पर। किसकी डालनी है, ये रमेश प्यूटी लिमिटेड की। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है इतनी डालिए, बाकी सेव कर दीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल अभी नहीं ऐड कर रहा हूँ, पर सेव करके ओके दिया। सेम वैसे ही अभी मैं दूसरा अकाउंट वापस से बनाता हूँ। मास्टर में जाऊँगा, उसके बाद अकाउंट्स में जाऊँगा, उसके बाद न्यू पर क्लिक करूँगा। अभी मैंने सप्लायर का एक अकाउंट बना लिया, अभी ऐसे मैं एक कस्टमर का अकाउंट बनाता हूँ। कस्टमर मेरा मान के चलो कि लक्ष्मण भाई। एंटर किया तो नीचे दोबारा नाम आ जाना चाहिए। एंटर किया तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसमें मैंने CUS लिखूंगा तो कस्टमर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इसका जितना भी पुराना पैसा उससे लेना बाकी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी थी उतनी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद सेव कर दिया। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब की एंट्री कर देंगे। इसके अलावा बैंक जो हमारा अकाउंट रहता है उसकी एंट्री भी हम इधर से ही करेंगे। सबसे पहले हम हमारी बैंक बना लेते हैं, सपोज मान लो HDFC। फिर एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप में सिलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट। अभी जिस दिन से हम बैंक का सारा स्टेटमेंट इसमें मेंशन करेंगे उस दिन को जितना भी क्लोजिंग बैलेंस उसमें होगा वो यहाँ पर ओपनिंग में डाल देना है। जैसे कि अभी हमारा बैंक का बैलेंस है जो भी है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि इससे आगे कोई चेक की या जो कोई भी एंट्री करे तो उसके हिसाब से हमारा बैलेंस प्लस माइनस होता रहेगा। बस बैंक में बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कोई भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हो गए हमारे जितने भी पार्टीज थी वो सारी एंट्री करने कहाँ से कैसे करनी है सबका मास्टर हमने यहाँ पर बना लिया। मास्टर में जाके अकाउंट में जाके सारे अकाउंट की एंट्री कर ली। अभी हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो सारे स्टॉक की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे, उसके बाद हम आइटम्स में जाएंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी जितने आइटम्स डाली होगी उसका लिस्ट आएगा। हमने कुछ नहीं डाला हुआ इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। नई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारी प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, सपोज़ मैं लिख देता हूँ Product 1। इसके बाद इसका शॉर्ट नेम, मतलब कई बार आप ऐसा होता है कि भाई शॉर्ट नेम टाइप करो तो वो प्रोडक्ट आ जानी चाहिए, या उसका मॉडल नेम टाइप करो तो वो प्रोडक्ट आ जानी चाहिए, तो वो जो भी शॉर्ट नेम आपको रखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होगा, वो HSN कोड आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जितना टैक्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे बिल टाइम ऑटोमेटिकली ही उतना जनरेट हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसकी कंपनी उसके ग्रुप सब ऐड कर दो। मान के चलो कि कंपनी एक ग्रुप अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं जनरल रख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कंपनी वगैरह कुछ ऐड करने हैं तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो कि भाई हॉर्स सेव। तो देखो यहाँ पर वो कंपनी का लिस्ट आ गया। वैसे ही ग्रुप में आप अगर कैटेगरी वाइज मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ साइड में प्लस पर क्लिक करके आप अपने ग्रुप या कैटेगरी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा प्राइमरी यूनिट यानी कि
आपके जो प्रोडक्ट वन है वो किस में आप बाय या सेल करते हो, बैग में, बॉक्स में, ग्राम में, केजी में, लीटर में, तो वो सब आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पीस में कर रहा हूँ तो पीस सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। इस प्रोडक्ट की हमारी परचेज प्राइस क्या है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, सेल प्राइस क्या है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर यहाँ पर हमने सेल प्राइस डाल दी तो सेल बिल बनाते टाइम ऑटोमेटिकली वो प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर MRP, बेसिक प्राइस, सेल वैल्यू वगैरह सारी डिटेल, बार कोड सब डाल देंगे। अभी ये मेन चीज़ है ऑफ क्वांटिटी पीसीस, मतलब कि ये प्रोडक्ट वन जो आज से हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के दिन तक इसका कितना स्टॉक है, तो वो मैं स्टॉक यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई आज के दिन में मेरे पास 25 पीसीस इसके पड़े हुए हैं, ताकि मैं नई परचेस करूँगा तो 25 के ऊपर मेरा स्टॉक मेंटेन होगा, अगर मैं सेल करूँगा तो मेरे स्टॉक में से वो माइनस होगा। फिर एंटर प्रेस करके मैं टॉप पर जाके इसे सेव कर देता हूँ और ओके कर क्लिक कर देता हूँ। अभी नई प्रोडक्ट की एंट्री करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिर भी बाहर निकलकर पहले से ही बता रहा हूँ आपको, मास्टर में जाना है, आइटम्स में जाना है, नई एंट्री के लिए न्यू पर जाना है, पुरानी एंट्री बाहर दिखेगी। अगर पुरानी एंट्री को एडिट करना है तो उस पर आप दो बार क्लिक कीजिएगा। जैसे ही दो बार क्लिक करोगे तो वो एडिट मोड में आ जाएगी, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वहाँ पर क्लिक करके वो चीज़ चेंज कर सकते हो, और उसके बाद अपडेट कर देना है तो वो चीज़ें अपडेट हो जाएगी। चलो हमने मास्टर में हमारे सारे पार्टी अकाउंट्स डाल दिए, सारी हमारा स्टॉक ऐड कर दिया। अभी हम सेल और परचेस देखते हैं कि कैसे करना है। जब हम कोई नया स्टॉक बाय करते हैं नई पार्टी से, कुछ परचेस करते हैं, तो देखो यहाँ परचेस का ऑप्शन है, इसमें नीचे न्यू का ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नया बिल बनाने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, इसमें सबसे पहले यहाँ पर डेट डालनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ जाएगी। इसके बाद हम जो भी हमारा बिल बन रहा है वो कैश में बन रहा है या क्रेडिट में बन रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी जितनी भी पार्टी हमने ऐड की होगी वो पार्टी का नाम आ जाएगा, उस नाम पर सिलेक्ट करके एंटर मार देंगे। फिर यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, जो हमारा बिल हम परचेस करेंगे तो सामने से एक बिल आएगा, तो उसका जो बिल नंबर है वो बिल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एंटर। जैसे ही यहाँ आइटम पर आओगे तो जितनी भी प्रोडक्ट होगा उन सब की लिस्ट आ जाएगी, बराबर, तो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में हम परचेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो जहाँ हमने बिल नंबर डाला उसके नीचे उसका स्टॉक दिखा रहा है। हमने ओपनिंग में 25 डाली थी तो अभी हमारे पास 25 है और नई 25 क्वांटिटी में हम अभी बाय कर रहे हैं, बराबर। किस रेट में बाय कर रहे हैं तो वो रेट यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर 5% देखो GST भी लग गया और टोटल वैल्यू आ गया। इसी बिल में अगर दूसरी आइटम बाय कर रहे हैं तो यहाँ से एक के बाद एक सारी प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे और लास्ट में सेव कर देंगे और ओके कर देंगे, बराबर। जितना भी हमने परचेस किया उसका देखो, आपको अगर रजिस्टर देखना है तो यहाँ रजिस्टर का भी ऑप्शन है, यहाँ से वो सारे बिल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आप जो डेट डाल के ओके प्रेस करोगे उस तारीख के सारे बिल दिख जाएंगे। कोई भी बिल एडिट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो वो बिल एडिट हो जाएगा। अभी हम स्टॉक देखते हैं, हमने ख़रीद किया तो हमारे स्टॉक में प्लस माइनस होना चाहिए ना। देखो टॉप पे स्टॉक रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, उसके अंदर दूसरा स्टॉक रिपोर्ट का ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे, यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी प्रोडक्ट होगी वो सभी प्रोडक्ट का नाम आएगा, ओपनिंग क्वांटिटी आएगी, परचेस क्वांटिटी आएगी और क्लोजिंग क्वांटिटी में हमें पता चलेगा कि अभी हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। देखो अभी हमारे पास 50 है, 25 हमने ओपनिंग में डाली थी, 25 हमने परचेस की थी, तो टोटल हमारे पास 50 अवेलेबल है। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अभी हम जो भी चीज़ें हमने खरीदी है, स्टॉक हमारा है, वो स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, तो हम सेल में जाते हैं, नया बिल बनाने के लिए न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह हिसाब से परचेज में बिल बनाया था सेम वैसे ही हम सेल में बिल बनाएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके बाद कैश में है या क्रेडिट में वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको जिस हिसाब से बिल का सीरीज चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर सीरीज मेंशन हो जाएगी। एंटर प्रेस कर देंगे, प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखो हमने प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट किया था, टॉप पे उसकी स्टॉक भी दिख गया, 50 का स्टॉक था हमारे पास, 25 ओपनिंग में थी, 25 हमने बाय की थी, टोटल 50 था, तो यहाँ पर 50 दिख गया। अभी मैं इसमें से 10 सेल कर रहा हूँ,
किस प्राइस पे सेल कर रहा हो तो 150 पे सेल कर रहा हो, तो 150 के ऊपर देखो टैक्स भी लग गया और उसके बाद एंटर क्लिक कर दिया। आपको अगर जो भी बिल का कैलकुलेशन है और टैक्स एक्सक्लूसिव चाहिए तो वैसा भी हो जाएगा, टैक्स इंक्लूसिव चाहिए तो वैसा भी हो जाएगा। टैक्स एक्सक्लूसिव मतलब आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस डाल रहे हो उस प्राइस के ऊपर टैक्स लगेगा तो वो टैक्स एक्सक्लूसिव हो गया, अगर उसी प्राइस के अंदर टैक्स आ गया तो वो टैक्स इंक्लूसिव में हो जाएगा। इस हिसाब से आप इस बिल में आप जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो वो सारी प्रोडक्ट एक के बाद एक ऐड कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये पूछेगा आपको प्रिंट निकालनी है, अगर निकालनी है तो यस देंगे, नहीं निकालनी है तो नो देंगे। अगर डायरेक्ट प्रिंट निकाल लेनी है तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, पहले हमें स्क्रीन पर देखना है कि कैसे प्रिंट निकलेगी तो हम इस हिसाब से क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही बिल का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। देखो सबसे ऊपर हमारा GST नंबर आ गया, हमारा बिल का टाइप आ गया, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके नीचे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके नीचे हमारी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और प्रोडक्ट के नीचे लास्ट में अगर आप देखोगे तो हमारी टैक्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये पूरा बिल आपको जिस डिज़ाइन में चाहिए उस डिज़ाइन में हम आपको बना देंगे। ये जो फॉर्मेट है वो GST की साइट पे जो आइडियल फॉर्मेट का सैंपल रखा हुआ है ये वो वाला सैंपल है, बाकी आपका जो भी फॉर्मेट चलता होगा रेगुलर वो वैसा सेम हम आपको डिज़ाइन कर देंगे। ये हो गया परचेस। अभी हम वापस एक बार स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखो 25 हमने ओपनिंग में डाली थी, उसके बाद 25 हमने परचेस की हुई है और यहाँ पर सेल में 10 क्वांटिटी आ गई तो टोटल हमें दिखाई गया कि 40 क्वांटिटी अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, बराबर। ये हो गया सेल और परचेस, हमने इसके अंदर सिर्फ सेल और परचेस ही करना है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। अभी हमने सबको क्रेडिट में माल दिया हुआ है तो सबसे जो पेमेंट लेना है वो भी इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, रिसीवेबल और पेएबल। पेएबल मतलब हमें किसको पैसा देना है और रिसीवेबल मतलब हमें किन से पैसा लेना है। सबसे पहले हम रिसीवेबल में जाते हैं, रिसीवेबल में जाकर ओके प्रेस करते हैं तो हमारे एक पार्टी का नाम आ गया, जितनी जितनी पार्टी का पैसा बाकी होगा उन सबका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। ये उसका नाम आ गया और ये उससे कितना पैसा लेना बाकी है, हमने थोड़ी देर पहले उसको बेचा था ना, एक बिल बनाया था तो ये उसकी अमाउंट है तो वो हमने क्रेडिट में दिया था इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अभी ये बंदा हमें पेमेंट दे रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर एंट्रीज के अंदर ऑप्शन है क्विक रिसिप्ट, क्विक रिसिप्ट मतलब हम पैसा जब लेंगे तब क्विक रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। यहाँ पर डेट डालेंगे, इसके बाद कैश में ले रहे हैं या बैंक में वो डालेंगे, मान के चलो कि वो हमें HDFC का चेक दे रहा है तो HDFC सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिसिप्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम, उसके बाद चेक नंबर वगैरह सब डाल देंगे, चेक की तारीख डाल देंगे। सामने वाले कस्टमर ने किस बैंक का चेक दिया हुआ है वो डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। अभी जब हमने पार्टी सिलेक्ट की थी तब देखो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर टॉप पे शो हो रहा है कि उसका कितना पैसा लेना बाकी है, 26,000 समथिंग लेना बाकी है, मैं उसमें अभी 20,000 डाल रहा हूँ कि अभी उसने 20,000 का चेक दिया और उसके बाद हमने सेव पर क्लिक कर दिया तो ये इसकी एंट्री हो गई। अगर इसकी स्लिप प्रिंट करनी है तो यहाँ पर टिक करके इसकी भी आप प्रिंट निकाल सकते हो स्लिप की। अभी हम वापस से जाते हैं आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में जाते हैं, ओके जाते हैं। देखो इसकी अमाउंट कम हो गई, अगर इसका हमें लेजर निकालना है तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें उसका पूरा लेजर भी दिख जाएगा, मतलब बिल दिख जाएगा। अभी ये तो वैसा हो गया कि किन किन लोगों से हमें पैसा लेना था वो हमने चेक किया, अभी हमें किन किन लोगों को पैसा देना है उसके लिए यहाँ पर पेएबल में जाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो वो सारी पार्टी का लिस्ट आएगा जिनको हमें पैसा देना है। जैसे कि रमेश भाई है तो इसको हमें देना है इतना पैसा देना है तो उसके लिए हम एंट्री में जाएंगे और क्विक पेमेंट में जाएंगे। देखो क्विक रिसिप्ट मतलब पैसा ले रहे हैं, पैसा रिसीव कर ले रहे हैं तो क्विक रिसिप्ट, और जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं किसी को पेमेंट पे कर रहे हैं तो हम क्विक पेमेंट पर जाएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके बाद कैश दे रहे हैं या
चेक से दे रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट नंबर डाल देंगे, मतलब ऑटोमेटिकली रिसिप्ट नंबर जनरेट होगा। फिर पार्टी का नाम डाल देंगे, जैसे पार्टी का नाम सिलेक्ट किया यहाँ पर अमाउंट आ गई, कितना अमाउंट का चेक दे रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर लास्ट में सेव कर लिया। इसका भी अगर हमें प्रिंट स्लिप निकालनी है तो यहाँ से स्लिप प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ पर टिक करना है और नीचे प्रिंट कर देना है। वापस से हम हमारा आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं, पेएबल में जाते हैं, ओके करते हैं, देखो उससे हमें इतने पैसे कट गए। अगर हमें किसी का लेजर देखना है तो हम यहाँ से लेजर भी देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, रिपोर्ट में जाना है, उसके बाद लेजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया रमेश भाई, रमेश भाई पर क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। तो देखो यहाँ पर कब कब उसका बिल बना, कब कितना पैसा मैंने उसको दिया, उसका क्या नीचे देखो ओपनिंग क्या था और अभी कितना बाकी है, सारी डिटेल उसकी हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये उसका लेजर भी जनरेट हो जाता है। इसके अलावा GST के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो भी इसके अंदर से जनरेट हो जाते हैं।